आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। प्याज के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में किसानों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक सप्ताह तक दाम में थोड़ी वृद्धि दिखी थी, लेकिन अब फिर से इसने गोते लगा लिया है। कई मंडियों में प्याज के दाम में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है और ये 1 रुपए किलो तक के स्तर तक आ गया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या वे प्याज की खेती करना ही छोड़ दें। जब इतना कम दाम मिलेगा तो फिर कौन अपना समय और पैसा बर्बाद करेगा। यहाँ करीब 15 लाख किसान परिवार प्याज की खेती पर आश्रित बताए जा रहे हैं, जो इस साल दाम की कमी से परेशान है। सबसे बुरा हाल अहमदनगर जिले का है, जहां की राहुरी और जामखेंड मंडी में किसानों ने प्याज सिर्फ 1 रुपए किलो बेचा, तो यही के अकोले में 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम का दाम मिला। सवाल ये है कि ऐसे में किसान की इनकम कैसे बढ़ेगी। वहीं महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मुताबिक 28 जून को महाराष्ट्र की कम से कम 5 मंडियों में प्याज का न्यूनतम दाम 100 रुपये प्रति क्विंटल यानी सिर्फ 1 रुपये प्रति किलो रहा, जबकि रिटेल में आपको आज भी प्याज 35 रुपये प्रति किलो में मिल रहा होगा। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के सरकार से सीधा सवाल किया है कि कोई 15 से 18 रुपये प्रति किलो की औसत उत्पादन लागत लगाकर कब तक 1-2 रुपये किलो के रेट पर प्याज बेचेगा। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि उत्पादक और आवक दोनों होने की वजह से इतना कम दाम है। वहीं संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोला का कहना है कि महाराष्ट्र में 1 रुपए से लेकर 8-9 रुपए प्रति किलो तक किसानों को प्याज का भाव मिल रहा है, जबकि इससे अधिक लागत आती है। 1-2 सप्ताह से ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि किसान कम दाम का सामना करीब 2 महीने से कर रहे हैं। जब किसानों को 35 से 40 रुपए का भाव मिलने लगता है, तब सरकार की पूरी मशीनरी उसे कम करवाने में लग जाती है। आज किसान घाटा सहकर प्याज बेचने को मजबूर है, तो वो मशीनरी कहाँ है? वो मशीनरी किसानों के घाटे की भरपाई करे। वहीं दिगोला का कहना है कि सरकार नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में काम करने वाले लोगों से ये पता लगाए कि महाराष्ट्र में रबी सीजन की प्याज को पैदा करने में प्रति किलो कितना खर्च आता है, उसके आधार पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दे। उससे किसानों को काफ़ी राहत मिल जाएगी, या फिर सभी किसानों के लिए प्याज स्टोरेज बनवा दे। इसके लिए वो 87,000 रुपये की जगह कम से कम 3 लाख रुपये दे। ऐसा होता है तो किसान मजबूरी में सस्ते दाम पर प्याज नहीं बेचेगा, वरना स्टोरेज के अभाव में मौसम को देखते हुए वो सस्ते में प्याज बेचने के लिए मजबूर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।